अगर आपने हमारे चैनल न्यूज 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। के प्रोजेक्ट के थीम के बारे में तो डायरेक्टर साहब बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शंभू जी, उदय जी, राजेश कुमार जी इस फिल्म के निर्माता हैं। मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध है, मैं उनकी खुशी में शामिल होने आया हूँ, उनको आशीर्वाद देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ। और दूसरी खुशी है कि हमारे नौजवान नायक गुंजन जी हैं, शमीम जी हैं और हमारे स्ट्रगल के दिनों के साथी और हिंदी सिनेमा से लेकर भोजपुरी में अपनी पहचान बनाने वाले अली खान साहब हमारे साथ हैं। तो ये खुश नसीबी है जो ज़िंदगी में कभी कभी मौका लगता है उस खुशी में शामिल हो। फिल्मों की बात तो फिर डायरेक्टर करेंगे, निर्देशक करेंगे या जब सेट पर रहेंगे हम लोग तो ऐसे करेंगे। देखिए, हर वाहिद इंसान और या कलाकार दो तरह से फिल्में करता है। अब जिस दौर में मैं पहुंच गया हूं, कोई ख़ास किरदार हो और डायरेक्टर को यही लगे कि इसके अलावा इसको और कोई नहीं निभा सकता, वैसा किरदार मिलता है तो मैं करता हूँ। या फिर मैं संबंध निभाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए और मैं किसी तीसरी वजह से फिल्म। सबसे पहले तो जैसा कि कुणाल जी ने कहा, पूरी टीम को ध्यान में जिला जो फिल्म है भोजपुरी में, पंडित जी, उदय जी, राजेश जी, शौकत भाई जी डायरेक्टर हैं, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कुणाल जी पांडे हमारे पार्टी, उदय जी हैं, सुकेश भाई हैं, नई लड़की एक मराठी की भोजपुरी में फर्स्ट टाइम काम करने जा रही है, काफिया जी हैं, फादर जी हैं हमारे। जी सर, किस तरह की फिल्म होगी और किस फिल्म के कलाकारों के बारे में? फिल्म की गोरखपुर देवरिया के रियल स्टोरी, एक क्राइम के ऊपर फिल्म, और जितने भी करेक्टर हैं सब वहाँ के ओरिजिनल। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कुछ शूटिंग हो रहा है, किसी और फिल्म की? नहीं, वो नई फिल्म है जो अप्रैल में जा रही है शूट होने। अभी ये देवरिया में हम लोग जा रहे हैं, फरवरी में शूट करेंगे। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज 99 को।